मैं चीफ एडिटर एंटी क्रिप्शन इंडिया से, आज मैं रावतपुर चौराहे पर मौजूद हूँ, रावपुर स्टेशन के पास। आज चौराहे पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, बताइए जी। जी, जो भी यहाँ से निकलते हैं, आम जनता जो भी निकलती है, पहली तो बात ये है कि यहाँ से कोई निकल नहीं रहा है। जो भी निकलते हैं उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया जाता है और पूर्ण रूप से लोग पालन कर रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं हो पा रही है उनको हम लोग बताते हैं। और मोटरसाइकिल पे एक सवारी, फोर व्हीलर में दो लोग बैठकर जा रहे हैं उनको। हाँ, गजेंद्र सिंह साहब ने बताया मुझे कि यहाँ पर लोग लॉकडाउन का पालन करवा रहा हूँ मैं, या और सोशल डिस्टेंसिंग का भी करा रहा हूँ मैं पालन। और इन्हीं से मैं पूछता हूँ, हमारे आसपास खड़े हुए हैं अखंड प्रताप सिंह साहब, ये मुझे बताएं यहाँ पे किस तरह, मतलब कि जनता यहाँ पे उल्लंघन कर रही है, मतलब कि किस तरह, मतलब कि आप उल्लंघन के लोग करने वालों को रोकथाम कर रहे हैं। उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि भैया आप लोग अपने घरों में रहिए, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकलने से कोई तथ्य नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री महोदय और योगी आदित्यनाथ महोदय, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश और हमारे अधिकारीगणों द्वारा, DGP महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और उसको पब्लिक भी समझ रही है और अपना धीरे धीरे आती है और जाती है किसी भी तरह। तो अभी तक आपको यहाँ पे, जब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे देखे जो तीन सवारी या दो सवारी जा रहे हैं, जिनको आपने सोशल डिस्टेंसिंग का के बारे में बताया? जी नहीं, हमें अभी तक तो ज़्यादातर नहीं लोग दिखे, एक ही दो लोग जो जैसे मरीज हैं, वो किसी कंडीशन में उनके पास चार पहिया नहीं है तो वो बेचारे अपने घर पे मरीजों को, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको ले आकर के लेके जाते हैं, तो भी हम लोग उनको रोक करके टोकते हैं, कहते हैं कि भैया आप लोग थोड़ा इसको दूरी बना कर रखिए और चार पहिया किसी रिजर्व कर लीजिए या कुछ कर लीजिए और दूरी बना करके चलिए। शासन ने कड़ा आदेश दे दिया है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस सख्ती का सख्ती में मतलब आप लोगों ने क्या उस पर एक्शन लिया और क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक? एक्शन तो हमारे अधिकारीगण महोदय जो ले रहे हैं वो उन्हीं वही लोग जानते हैं, हम लोग कोई एक्शन इसलिए, अभी दरोगा जी थे वो रोकते हैं उनको और मना करते हैं और कहते भी हैं, और कोई एक्शन हम लोग अपनी तरफ से नहीं ले पाते हैं। तो जनता को आप लोग समझाते हैं? यहाँ सुना जाता है कि जनता को लाठी से मारा भी जाता है, नहीं मानती है, क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं किए हैं। चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे जो ड्यूटी दे रही हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ये ड्यूटी दे रही हैं। मैडम आपका नाम? सपना। सपना, आप यहाँ कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरी SSP ऑफिस महिला सहायता प्रकोष्ठ सेल है, उसमें आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है? जी, यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। तो आपने सुबह से यहाँ पे क्या देखा, आपने किस तरह का वातावरण और किस तरह लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर लोग पालन ही कर रहे हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं वही आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी तो लोग बहुत कम निकल रहे हैं यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात, उन्होंने आप समझ लीजिए, आपने बताया। और आप हमारे पास एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? रावतपुर आए थे। पोस्टिंग कहाँ आपकी? स्वरूपनगर। आपके दरोगा जी कहाँ हैं? दरोगा जी आज लगे नहीं हैं। नहीं है, मौके पर दरोगा जी मौजूद नहीं है, वहाँ का इनका स्टाफ मौजूद है, इससे मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पे, किस तरह शिकायतें यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से लोग, मतलब कि आप डाउन लोन का पालन करवा रहे हैं? हाँ, पालन करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं। और कोई परेशानी किस तरह की आप लोग से मौजूद पेश आ रही है? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं। चलिए मैंने इन लोगों से पूछा, इन्होंने बताया इस तरह की डाउन लोड का पालन करवा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, उस तरह से कोई परेशानी नहीं है और जनता आराम से सुरक्षित अपने घर जा रही है। धन्यवाद, मैं अतर हुसैन एंटी करप्शन से।